अच्छा, हम स्टिल जो कर रहे हैं ना वो आइडेंटिफाई कॉमन नेटवर्क अटैक्स कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम इसी टॉपिक के अंदर है। वो किस तरह है? कॉमन नेटवर्क अटैक्स में हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था रिकनेसेंस अटैक, ठीक है, जिसमें हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की पिंग स्वीप के थ्रू, पोर्ट स्कैनिंग, चाहे जो भी टूल यूज कर जिधर आप अटैक करना चाहते हो उस जगह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर। इसके बाद हमने एक्सेस अटैक किया। एक्सेस अटैक डायरेक्ट अटैक होता है। एक्सेस अटैक में हमने आईपी स्पूफिंग, मैक स्पूफिंग, डीएचसीपी स्पूफिंग, पासवर्ड, पोर्ट रिडायरेक्शन, मैन इन द मिडल अटैक, बफर ओवरफ्लो अटैक, ये सारे टूल यूज करके हमने डायरेक्ट कुछ न कुछ गेन कर लिया, ताकि हम नेटवर्क में एंटर हो सके जिधर हम अटैक करना चाहते हैं, और कुछ न कुछ मिल जाए ताकि हम नेटवर्क में अंदर जा सके, ठीक है। तो ये एक्सेस अटैक था। इसके बाद हमने सोशल इंजीनियरिंग अटैक किया। सोशल इंजीनियरिंग अटैक में हमने क्या किया? ये वेनरेबिलिटी है यूजर में, तो यूजर पे हमने बहुत सी टेक्निक्स अप्लाई कर दी, जिस तरह टेलगेटिंग था, फिशिंग अटैक था, फार्मिंग, ट्रैश, प्रीटेक्सटिंग, बाइटिंग, समथिंग फॉर समथिंग, ये सारे टूल हम यूज करके हमने ये जो यूजर है, जो कंप्यूटर के सामने बैठा है, जो नेटवर्क के सामने बैठा है, जो रिसोर्सेस को यूज कर रहा है, उसको मैनिपुलेट करके उनसे डिटेल इकट्ठे किए। तो ये कॉमन अटैक में एक और टेक्निक था सोशल इंजीनियरिंग अटैक। इसके बाद हमने डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक ट्राई किया। डिनाइल ऑफ सर्विसेज में हमने बहुत सी पिंग भेजी ताकि नेटवर्क को डाउन कर सके, स्मर्फ अटैक कर दिया ताकि अगेन नेटवर्क को डाउन कर सके, सिंक फ्लड अटैक किया ताकि नेटवर्क डाउन हो सके, सही है। फिर सीडीपी फ्लडिंग अटैक किया, बफर ओवरफ्लो, ये सारे टेक्निक यूज करके हमने डॉस क्रिएट करके डिनाइल ऑफ सर्विसेज ताकि सर्विसेज डाउन हो जाए। और इसमें फिर डॉस था और डी डॉस था। डॉस जो है वो एक कंप्यूटर से हम टारगेट पे हिट कर रहे हैं, और डी डॉस अटैक जो था वो मल्टीपल कंप्यूटर से अटैक कर रहे हैं एक ही सर्वर पर ताकि डाउन कर सके, ठीक है। अब आते हैं एक और कॉमन अटैक, जो कि आज हमारा टॉपिक यही है, प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन क्या है, ठीक है? प्रिविलेज क्या होता है? सपोज जिस तरह हमारे यहाँ जो जो वजीर आजम है, सपोज इमरान खान है या नवाज शरीफ है, जरदारी है, उनको प्रिविलेजेस हासिल होते हैं, उनको प्रोटोकॉल्स मिलता है, 200 300 गाड़ियां, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी इतनी है कि उनको ये प्रिविलेज हासिल होता है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, वैसे है हमारी कंट्री में, तो इसको प्रिविलेज कहते हैं। मेरे और तेरे को नहीं है, अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो हमें ये प्रोटोकॉल नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि हम कॉमन है, हमारा प्रिविलेज इतना नहीं है। सेम टू सेम जिस तरह यूनिवर्सिटी का कोई वाइस चांसलर होता है या वजीर आला होता है या MNA MPA, तो उनको भी थोड़े बहुत प्रिविलेजेस मिल जाते हैं और उनको प्रोटोकॉल्स मिल जाते हैं, या आर्मी या पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है, तो इसको प्रिविलेज कहते हैं। अब अगर मैं कुछ इस तरह करूं, कोई इस तरह टेक्निक्स अपना के कि मुझे वो प्रोटोकॉल्स मिल जाए जो वजीर आजम को मिल रहे हैं, कोई इस तरह की कर लूं, हाँ, अगर मेरा नवाज शरीफ के साथ कोई है, कोई संबंध वगैरह है, कोई इसके साथ रिलेशनशिप है, तो मुझे हाई पोस्ट पे बिठा सकता है, मुझे प्रोटोकॉल दे सकता है, तो इसको प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं। जो चीज आपके लिए नहीं है और आप उसे गेट कर लेते हो, तो उसको प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं, ठीक है। जिस तरह एग्जाम्पल में मैं ये दे दूंगा, सपोज ये एक यूजर्स है, लो प्राइवेसी वाले एक्सटेंडर यूजर है, विंडो में अगर ये एंटर हो गया तो चूंकि ये कॉमन यूजर है तो ये कुछ भी नहीं कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि आम यूजर है, डेट वगैरह चेंज नहीं कर सकता। सपोज अगर ये है, इसमें लॉगिन हो जाता हूं तब तक रूट पासवर्ड रूट, सही है। अगर मैं इधर चेक करूं कि जो अली यूजर है,
ये कौन से प्रिविलेजेस को हासिल है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में है तो इसको सब कुछ चेंज कर सकता है। सपोज अगर ये इधर से टाइम चेंज करना चाहे तो टाइम जोन चेंज कर सकता है, डेट वगैरह चेंज कर सकता है। ये एक यूजर वन है, मैं इसका चेक कर लेता हूँ, ये इसको एडमिनिस्ट्रेटर से हटा देता हूँ। यूजर वन सिर्फ यूजर है, अगर मैं इसका पासवर्ड कुछ रख दू 111111, अगर मैं इस यूजर से लॉग इन होऊंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कॉमन एक्टिविटीज कर सकता हूँ, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर को जो प्रिविलेजेस हासिल थे वो चीजें मैं नहीं कर सकता। मैं लॉग इन करके चेक करना चाहता हूँ, यूजर वन पासवर्ड 111, ठीक है। तो अगर मैं चेक करूंगा तो जिस तरह टाइम चेंज हो गया या कोई यूजर क्रिएशन हो गया वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं लॉग इन हूँ एक आम यूजर के, एक आवाम का एक बंदा है, ठीक है। तो अगर मैं इधर से, तो ये मुझे कह रहा है यू डू नॉट हैव प्रॉपर प्रिविलेजेस, इधर खुद भी लिखा है यू डू नॉट हैव प्रॉपर प्रिविलेजेस लेवल टू चेंज द सिस्टम टाइम। मुझे कह रहा है कि यार भाई आप तो आम बंदे हो, क्यों आप इधर एंटर नहीं हो सकते, आपको प्रोटोकॉल्स नहीं मिल सकते। ये प्रोटोकॉल्स जो है ये वजीर आला वजीर आजम नवाज शरीफ जरदारी के लिए है, ठीक है। तो इसको प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं। अब अगर मैं कुछ इस तरह करूं, मैं जो एंटर हुआ हूँ एज ए यूजर वन, और अगर मैं कुछ इस तरह करूं कि ताकि मुझे ये टाइम चेंज कर, मैं टाइम चेंज कर पाऊं, तो इसको प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं। मैं एज अ कॉमन यूजर लॉग इन हुआ था यूजर वन और काम करूंगा जो अली कर सकता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है। दो के से इस तरह टेक्निक्स अप्लाई कर दो, बहुत से टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इसको प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं, ठीक है। या मैं एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज शायद आपने आईफोन यूज किया होगा या नहीं किया होगा, आईफोन 4 और आईफोन 5 जब ये आ गए ना शुरू में, तो इसको अभी भी आईफोन 6 जो है इसको क्या कहते हैं, जेल ब्रेक कहते हैं, इसको जेल ब्रेक कर लेते हैं। नाम आपने सुना होगा जेल ब्रेक से क्या होता है, शुरू में आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो जो आईफोन से खरीद लो और उनसे बिल्कुल वो प्रॉपरली पेमेंट करके और सही सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि उसमें ये सेटिंग की होती है उस सिस्टम में आईफोन में। लेकिन जब आप इसको जेल ब्रेक कर दो, ठीक है, तो जेल ब्रेक के बाद आप कुछ भी कर सकते हो इस आईफोन के साथ। हाँ, इसकी वारंटी खत्म हो जाती है, लेकिन उससे क्या है, वो तो हम जो यूज कर रहे हैं ना जेल ब्रेक, ये है। अभी तो चेंज हो गया, जब मैं कर रहा था तो उस टाइम आईफोन 4 था और मैं इसी जेल ब्रेक को यूज करके क्या करता था, जेल ब्रेक सिस्टम को जेल ब्रेक करके आप इसमें अपनी मर्जी से सारी चीजें कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो आईफोन 4 के साथ कर सकते हो। तो इस जेल ब्रेक का एक टेक्निक्स होता है। अब ये टेक्निक्स किस तरह अप्लाई लोग करते हैं, एक्चुअली ये आईफोन में एरर ढूंढ देते हैं, आईफोन में इस तरह की एरर डिजाइन है ताकि उस एरर को ये यूटिलाइज करके इसकी प्रिविलेजेस गेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसी एरर की इसकी वजह से इसको प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो जेल ब्रेक होता है। हाँ, अगर वो कुछ कर ले और उस एरर को खत्म कर ले जो इस सिस्टम में उन्होंने डाल दिया है, ठीक है, तो फिर आप उसको जेल ब्रेक नहीं कर पाओगे, और जब जेल ब्रेक नहीं कर पाओगे तो आप कोई और टेक्निक्स ढूंढोगे, उसमें कुछ एरर ढूंढोगे। जिस तरह अपने घर पे अटैक करना है, उससे चोरी करना है, तो आप क्या करोगे, अगर वो घर बिल्कुल बंद है तो आप उसमें इस तरह की चीज ढूंढोगे जिधर से आप अटैक कर सको। जिस घर में सपोज गलती से कुछ इस तरह की चीज छोड़ दी हो जिससे आप अटैक कर सकते हो, उस गलती से सपोज एक मैनहोल का एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम दिया था, एक घर से मैनहोल बाहर निकला है लेकिन घर बिल्कुल सिक्योर है, उधर सिक्योरिटी भी है, आर्मी भी खड़ी है, आसपास इलेक्ट्रिसिटी भी है, सारी चीजें उन्होंने की है। अब कह रहे हो कि यार मुझे इस घर में अंदर होना है, तो आपने क्या किया, आपने चेक किया, अच्छा इस घर से एक बड़ा मैनहोल निकला है, मैं इसके थ्रू जा सकता हूँ। जब आप इसके थ्रू जाके अटैक करोगे तो इसको प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं।
ठीक है, जो आपको हासिल नहीं था और आपने वहां तक पहुंच गए, तो ये क्या होता है, उस घर की डिजाइनिंग में एरर था, फॉल्ट था, और आपने उस फॉल्ट को यूटिलाइज करके अंदर गए, तो इसको प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं। और मैंने एग्जांपल ये दे दिया कि आप कॉमन यूजर हो और आप गए हो और एज एडमिनिस्ट्रेटर एंटर हो गए, ठीक है। Thank you.